खैर राग ले, उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में बहुत बहुत खुश होंगे। अभी मैं जा रही हूँ F8, एक फैमिली मैटर था उसको देखने। आज हम आपको F8 की कचहरी भी दिखाएंगे थोड़ी बहुत कि फैमिली कोर्ट्स कैसी होती हैं और वहाँ पे क्या क्या चलता रहता है। तो आज के दिन मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी जी। तो ये मैं F8 में पहुँच रही हूँ और अब मैं जा रही थी कचहरी। ये हमारी है ETO वाली बिल्डिंग। अब इसको मैं सामने नहीं करके वीडियो बना सकती थी। और ये यहाँ पे आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये भी एक बिल्डिंग है जहाँ पे कुछ कोर्ट्स हैं और यहाँ पे बेसिकली फैमिली मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। तो बस मैं वहीं पर जा रही थी। चलने वाला काम बहुत ज़्यादा होता है अदालतों में। अभी आप देख सकते हैं ये अभी एक बिल्डिंग है और इसकी स्टेयर्स देखें, बस ऊपर नीचे चल से चल काम होता है बस पूरा दिन का। और ये जी मैटर। उसके बाद मैंने सोचा जी आपको थोड़ा सा मैं कचहरी का बाहर का माहौल भी दिखाऊं कि बाहर से कचहरी कैसी नज़र आती है। तो ये देख सकते हैं जी आप, ये बाहर से जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी जजों की गाड़ियाँ हैं और यू नो सरकारी प्रोटोकॉल्स। और ये एक अब यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग कोर्ट्स हैं और उसमें बहुत सारे जजेस बैठते हैं। और ये कुछ नीचे जो है वो फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं। ये दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पे अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ। और ये फिर से मैंने कहा थोड़ा सा आपको बाहर से दिखा दूँ व्यू के किस तरह की हमारी कचहरी लगती है। उसके बाद जी मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने कहा अब थोड़ा सा सांस लेते हैं और ऑफिस जाके थोड़ा पानी शानी पीते हैं, ज़रा रेस्ट वेस्ट करते हैं। बाजी हमें बहुत शदीद भूख लगी थी और हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं। और हमारे ऑफिस के बिल्कुल नीचे जो है वो बेकमैन है, वहाँ हम गए। वहाँ हमने कहा थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए वो, लेकिन मैक्सिमम मुझे बेकमैन पसंद नहीं है। वहाँ से ना जब भी मैंने कुछ लिया वो ख़राब ही निकला है। तो भूख थी तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। उसके बाद मैंने आगे ट्रेनिंग पर जाना था तो कुछ खाना पीना ज़रूरी था। फिर मैं सीढ़ियाँ देखें ना काबले ख़त्म होने वाली सीढ़ियाँ, यहाँ पर ख़त्म बिल्कुल नहीं होती। चलते रहो सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी। फिर इसके सामने जो है वो पार्किंग है, पार्किंग में कभी भी आपको जगह नहीं मिलेगी, ऊपर नीचे गाड़ियाँ लगी हुई होंगी। ये बेकमैन का एक लुक है आपके सामने। यहाँ से मुझे कभी कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन चलिए मैंने एक जूस लिया और एक सैंडविच लिया जो बाद में वो भी ख़राब हो गया। सैंडविच ख़राब था तो खाया ही नहीं गया, तो सिर्फ जूस पिया हमने यहाँ से। तो बेकमैन मुझे नहीं पसंद तो मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगी, बाकी हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। उसके बाद जी हमारा दूसरा काम था जो कि हमने ट्रेनिंग पर जाना था PTCL अकेडमी। तो अब मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट्स में कहना शुरू कर देंगे जी गाड़ी चलाते हुए फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा चलो यार पहला व्लॉग है बना लेते हैं। और वैसे भी सिग्नल पे कुछ वीडियोस बनाई हैं कुछ बिल्कुल जब रोड खाली था। ये जी हम हेडक्वार्टर PTCL एंटर हो चुके हैं और बड़ा सुनसान सा और बड़ा खामोश सा था। और ऊपर से आप व्यू देखें और मौसम बहुत बहुत लेवल कर आ रहा था। ये जी हम लोग अंदर जा चुके हैं और ये हमारे ऑफिस के कुछ कोलीग्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं। हमारे जो ट्रेनिंग थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है, बड़ा कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद जी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर उन्होंने थोड़ी चाय शाय ऑफ़र की, तहजीब के बिस्कुट शिस्कुट थे। हमारे हस्बैंड के ऑफिस के करीब ही थी तो हमने कहा थोड़ा सा हम ज़रा मेहमान नवाजी करवा लें। था जी आज का दिन, बताएं कैसा लगा आपको व्लॉग। अगर आपको पसंद आते तो हम और व्लॉग्स भी ऐसे बनाएंगे। और इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।